हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी डिस्कस रिग्रेशन एनालिसिस. लास्ट हमने जो टॉपिक अपना छोड़ा था, थ्योरेटिकल पार्ट हमने डिस्कस आउट किया था. व्हाट इज अ रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, डिफरेंट डेफिनेशन स्टडी आउट की हमने यहाँ पे, कि इसकी कोई भी जो जिस भी ऑथर की आपको अच्छी लगे आप ऑप्ट कर लो. देन उसकी यूटिलिटी क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन क्या है डिफरेंट रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत. देन उनको ग्राफ के थ्रू स्टडी आउट करा, डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू स्टडी आउट करा सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को. आज जो हम स्टडी आउट कर रहे हैं उसी में ही आगे कॉन्टिन्यू कर रहे हैं बेटा टॉपिक को, वो है मैथड्स. ठीक है, मैथड्स ऑफ ऑप्टेनिंग रिग्रेशन लाइन, यानी वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, रिग्रेशन एनालिसिस को, रिग्रेशन लाइन को प्राप्त कर सकते हो. तो इसमें मोस्ट पॉपुलर टू मेथड्स हैं. फर्स्ट आता है स्केलर डायग्राम मेथड और सेकंड वन आता है लिस्ट स्क्वायर मेथड. इन दोनों में ही जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होता है वो है लिस्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, लिस्ट स्क्वायर मेथड और स्केलर डायग्राम्स. तो सबसे पहले हम स्टडी आउट कर रहे हैं स्केलर डायग्राम्स को. स्केलर डायग्राम्स क्या होते हैं, हिंदी में हम इसे विषेप चित्र विधि बोलते हैं. डायग्राम मतलब चित्र, मेथड यानी विधि और स्केलर यानी विषेप. यानी आप इनको कैसे शॉर्ट आउट करोगे, रिग्रेशन लाइंस जो हैं उनको मेजर करने के लिए हम ग्राफ पेपर पर उनको शो आउट करते हैं, इसको हम स्केलर डायग्राम्स बोलते हैं. ये एक बहुत ही सबसे ये कहा जाए कि सबसे इजी मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत, कि रिग्रेशन जो रेखाएं हैं, जो लाइंस हैं, उनको शो आउट करने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है, सरल विधि है. दूसरी चीज है कि ये जो विधि है, ये जो मेथड है, वो जो भी आपके पास श्रेणियां, संबंधित श्रेणियां जो हैं, उनके वेरिएबल्स जो हैं, चर जो हैं, उनके मूल्यों को हम ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं, अंकित किया जाता है कह सकते हैं. ठीक है, इसके अंतर्गत क्या दिखाओगे आप, हम शो आउट करते हैं बिंदु विक्षेप चित्र के द्वारा, यानी डॉटेड बिंदु के द्वारा हम शो आउट करेंगे हाईली पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा रिलेशनशिप है. ये स्केलर डायग्राम्स के अंतर्गत दिखाया जाता है. इसे रिग्रेशन रेखा भी बोला जाता है. इसके अंतर्गत जब आप सरल रेखा खींचते हो ना, डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हम बिंदु शॉर्ट आउट करते हैं कि इनका एक्स का वाई के साथ इस पॉइंट पे रिलेशन है, वाई का एक्स के साथ इस पे पॉइंट पे रिलेशनशिप है. तो उनको जब डॉट्स को आप मिलाते हो, डिफरेंट डॉट्स को फ्री हैंड से बनाया जाता है, कोई पर्टिकुलर इसके लिए स्केल और इनकी मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती है, फ्री हैंड से बनाया जाता है ये. तो जो आपके पास बन के चित्र ऊपर सामने आता है, जो डायग्राम शो आउट होता है, वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, कि हम जब माइक्रो में स्टडी आउट करते हैं डिमांड सप्लाई कर्व, डिफरेंट कर्व शॉर्ट आउट नहीं करते, उनके कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं कि एक ग्रुप का वाई दूसरी ग्रुप के साथ रिलेशनशिप, डॉटेड करके डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, वो डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व जो बन के उभर के आता है, दैट इज अ रिग्रेशन लाइन. वो एक तरह की रिग्रेशन लाइन ही होती है, क्योंकि वो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है. अब ये नहीं है कि वो लीनियर ही होनी चाहिए, वो लीनियर भी हो सकती है, वो नॉन लीनियर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है. ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड वन मेथड आता है, दैट इज अ लिस्ट स्क्वायर मेथड. अब लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है, इसको हम बोलते हैं न्यूनतम वर्ग विधि. ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस, यानी रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन लाइंस को मेजर करने के लिए. इसके अंतर्गत एक्स और वाई के जो वैल्यूज होती हैं, उनसे क्रॉस आउट करती हुई जो रेखा निकलेगी, जो सरल रेखा इस प्रकार की खींची जाती है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट करेगी, दैट इज अ लिस्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, अब लिस्ट स्क्वायर मेथड के अंतर्गत ये ऑथर ने अपने व्यू भी दिए हैं कि वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा, बताया गया. तो ये तो सारा हमने स्टडी आउट किया रिग्रेशन लाइन के रिगार्डिंग, कि रिग्रेशन लाइन जब आप ड्रॉ करते हो तो आप कैसे दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को दिखाओगे,
y on x and x on y. अब इसका जो सेकेंड पार्ट आता है दैट इज अ रिग्रेशन इक्वेशंस, जिनका यूज करते हुए आप कैलकुलेशन करते हो. रिग्रेशन इक्वेशंस को भी हम टू पार्ट्स पे स्टडी आउट करते हैं बेटा. फर्स्ट वन, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो आउट कर रही हूँ, साथ के साथ आप देखते जाएं कि रिग्रेशन इक्वेशंस जो है वो शो आउट करती हैं y on x, यानी वेरिएबल हम यहाँ पे दो ही लेके चल रहे हैं. फर्स्ट मैं रिलेशनशिप दिखा रही हूँ यहाँ पे y का x के ऊपर, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है पार्ट, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस में बी एक्स. यहाँ पे a और जो b है बेटा, ये जो दोनों अल्फाबेट्स हैं ये कांस्टेंट है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है. x यहाँ पे वेरिएबल है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल है. y डिपेंडेंट वेरिएबल है और किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो x के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो इसकी फर्स्ट जो रिग्रेशन इक्वेशन में हम ये जो शो आउट हो रही है दैट इज अ रिग्रेशन लाइन, ये एक रिग्रेशन लाइन को ही शॉर्ट आउट कर रहा है रिग्रेशन इक्वेशन में फर्स्ट, कि y इज इक्वल टू a प्लस में बी एक्स, ठीक है. अब ये तो हमने बनाया किसका, जब y ऑन x था. सेकेंड वन रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे हम, वो है x ऑन y. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा बेटा और y इनडिपेंडेंट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे शो आउट हो रहा है आपको. a और b यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे a की टेल के पास जीरो, b की टेल के पास जीरो शॉर्ट आउट किया गया है, ताकि दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्रिएट हो. अगर मैं यहाँ पे भी सीधा a और b लिख दूँ तो इट मींस ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वही यहाँ पे एज इट इज है, जो कि जरूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. इसलिए इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा दिखाया गया. तो बोथ a0 एंड b0 आर द कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जिसे आप हिंदी में अचर बोलते हो, और y और x आर वेरिएबल्स, x इज डिपेंडेंट ऑन y. तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ पे शॉर्ट आउट होती है दोनों के उसमें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. ये जितना भी हम इनके बेसिक चीजें स्टडी आउट कर रहे हैं यहाँ पे बेटा, इसके बाद आपके आगे इक्वेशंस आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आप इनका यूज करोगे, ठीक है. अभी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियरिफाई करोगे तभी आगे इक्वेशंस को शॉर्ट आउट कर पाओगे. देन आते हैं कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स भी हम दोनों केसेस में करेंगे, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई. अब इनको हम क्या क्यों करते हैं बेटा, कई बार आपको कहा जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के थ्रू निकालिए तो आप इनका यूज करते हो, नहीं तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे देन मैं आपको स्टडी आउट करवाऊंगी वहां पे, हम डायरेक्ट वैल्यूज भी इनकी निकाल सकते हैं, ए की और बी की वैल्यू. मैथ्स में जब आप लीनियर इक्वेशन वाला करते हो, आपके आती है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जब करते हो तो उसको सॉल्व करने के थ्री मैथड्स होते हैं, ठीक है. बेसिकली आपने मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो. तो उन्हीं में से ही एक मेथड यहाँ पे ऑप्ट किया जाता है जिसमें हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. दूसरा तरीका होता है ये फॉर्मूला जिसके थ्रू आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के थ्रू. तो इसका फॉर्मूला शॉर्ट आउट करता है यहाँ पे बी, बी की टेल के पास वाई ऑन एक्स. पहले y लिख रहे हो तो इसका मतलब y on x है, यानी यहाँ पे y x के ऊपर डिपेंडेंट है, ये लिखते हुए हमेशा ध्यान रखना है. जब आप दूसरा x on y करोगे तो मैं पहले यहाँ पे बेटा x लिखूंगी देन मैं y लिखूंगी, ओके. r कोरिलेशन को दिखाता है, जो वैल्यू आपको वहां पे गिवन होगी. ये साइन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये बाकी आपका सेम रहेगा. सिर्फ चेंज कहाँ आएगा, जब आप y on x ले रहे हो तो पहले y की वैल्यू लोगे यहाँ पे, फिर x की वैल्यू लोगे. ऐसे ही यहाँ पे x on y लोगे तो पहले x की वैल्यू और देन y की वैल्यू लोगे. जब आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे, ये कोफिशिएंट्स किसका है, फर्स्ट वन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ y on x, सेकंड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर किया हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y. अगर आपके पास ये दोनों ही वैल्यूज अवेलेबल हो जाती हैं, तो आप इसकी
प्रॉपर्टी के थ्रू इनको कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स, यानी इनके बीच अगर संबंध शॉर्ट आउट करना है आपने, सह संबंध इनके बीच में है, सह संबंध मतलब कोरिलेशन इनके बीच में है या नहीं है दोनों के बीच में, उसको अगर शॉर्ट आउट करना है तो उसका ये प्रॉपर्टी दे रखी है कि कोरिलेशन इज इक्वल टू जो y ऑन x है वो मल्टीप्लाई बाय x ऑन y बोथ वैल्यूज और दोनों का रूट कर दीजिए, वो वैल्यू उसके बराबर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज शॉर्ट आउट की गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही है जो अभी जस्ट आपने ऊपर कोफिशिएंट्स के थ्रू वैल्यू निकाली है वो। सेकंड प्रॉपर्टी है दोनों रिग्रेशन जो कोफिशिएंट्स हैं उनके चिन्ह भी एक समान, यानी उनके साइन सेम होते हैं, या तो दोनों के पॉजिटिव आएंगे या दोनों के नेगेटिव आएंगे, ऐसा इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये शॉर्ट आउट किया गया है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना साथ साथ? ठीक है, तो यहां तक इसके ये पॉइंट्स आ जाते हैं। आप इसको यहां तक स्टडी आउट कीजिए बेटा, जिसमें आप पहले सारा रिग्रेशन का थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी आउट कर रहे हो और फिर रिग्रेशन एनालिसिस के अंतर्गत तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया है, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या होती है, कैसे आप उसको मेजर करते हो, कैसे आप उसको शो आउट करोगे, सभी चीजों को हमने टू टू पार्ट्स में स्टडी आउट किया है, क्योंकि वेरिएबल मैं सिर्फ दो ही ले रही हूँ, y ऑन x और x ऑन y। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स के सेंस में लीनियर इक्वेशन को स्टडी आउट किया है, देन लीनियर जो रिग्रेशन लाइन है फर्स्ट वन उसको हमने शो आउट किया है। रिग्रेशन लाइन के बाद हमने रिग्रेशन इक्वेशंस को लिया है दोनों ही केसेस में, और थर्ड वन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स लिए हैं हमने दोनों ही केसेस में। जब आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, तो इनको कैसे आगे अप्लाई करते हैं, कैसे हम एक्स की वैल्यू मेजर करते हैं, वाई ऑन एक्स है तो कैसे हम एक्स निकालेंगे, या एक्स ऑन वाई है तो वाई को कैसे मेजर करेंगे, ए और बी की वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी प्रोसेसिंग आगे इन्हीं के ऊपर टोटली बेस्ड है। ठीक है, तो आज आप इस टॉपिक को यहाँ तक स्टडी आउट करो, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको भी, और इसका ये जो न्यूमेरिकल पार्ट शॉर्ट आउट हो रहा है इसको भी। ठीक है, इतना ये स्टडी आउट होने के बाद देन हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसका मैथमेटिकली पार्ट स्टडी आउट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू।